आज फुर्सत का रविवार है और किचन में जरूर कुछ न कुछ मसालेदार बना होगा। लेकिन क्या आप इन मसालों का इतिहास जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि इन्हीं मसालों की वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाया और यही मसाले भारत के गुलाम बनने की वजह भी बने। और तो और सालों पहले ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत भी इन मसालों की वजह से हुई, जिससे दुनिया का नक्शा ही बदल गया। आइए चलते हैं इन्हीं मसालों के इस रोमांचक सफर पर। दरअसल इंसान ने करीब 6000 साल पहले मसालों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तब भारत और श्रीलंका मसालों के लिए जाने जाते थे। इन मसालों की कीमत सोने से भी ज्यादा हुआ करती थी। सबसे पहले बात करते हैं काला सोना कही जाने वाली काली मिर्च की। भारत में करीब 4500 साल से काली मिर्च का इस्तेमाल हो रहा है और करीब 3000 साल पहले इजिप्ट के साथ इसका कारोबार शुरू हुआ। उन दिनों इसे काला सोना कहा जाता था। प्राचीन ग्रीस और रोम में काली मिर्च स्टेटस सिंबल थी। पैसों की जगह काली मिर्च से ही पेमेंट की जाती थी। अब बात मसालों की रानी इलायची की। छोटी इलायची दुनिया के सबसे पुराने और बेशकीमती मसालों में शुमार है। इसकी खेती करीब 5000 साल से हो रही है। प्राचीन इजिप्ट में दवाओं से लेकर अंतिम संस्कार तक में ये छोटी इलायची यूज होती है। वहीं ग्रीस और रोम में इलायची के तेल से परफ्यूम बनाया जाता है। मूल रूप से दक्षिण भारत और इसके अलावा श्रीलंका, चीन, तंजानिया और ग्वाटेमाला में इलायची की खेती होती है। वहीं बड़ी इलायची की बात करें तो ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है। दुनिया की करीब 50% बड़ी इलायची सिक्किम में पैदा होती है। ये इतनी फायदेमंद है कि चीनी, यूनानी और आयुर्वेद चिकित्सा में इसे दवा के तौर पर यूज किया जाता है। वहीं प्राचीन अरब में तो सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए कॉफी में बड़ी इलायची इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ही देसी जायका बढ़ाने के लिए मशहूर तेज पत्ते की कहानी भी रोमांचक है। पुलाव, बिरयानी और खीर से लेकर चिकन तक को महकदार बनाने वाला तेज पत्ता जिस पेड़ से मिलता है उसे स्वीट बेट्री कहते हैं। 3000 साल पहले प्राचीन ग्रीस में इसकी खोज हुई। तब इसे इतना पवित्र माना जाता था कि प्राचीन ग्रीस में खेल के विजेताओं को तेज पत्ते से बना क्राउन पहनाया जाता था। धीरे धीरे ये ग्रीस और रोम से बाकी देशों तक फैल गया। इसी तरह सौंठ, जीरा, दालचीनी, जायफल, जावित्री, लौंग और चक्रफूल जैसे मसाले भी हैं जो सदियों से हमारे व्यंजनों का जायका बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत को भी अच्छा बनाए रखते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।